So good to see you, both of you. काफी क्या कुछ कहना चाहोगे? काफी प्यार मिल गया गाने को अभी तक. आपको किस तरह के रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं? जितना सुना है अच्छा सुना है, जितना बजेगा गाना उतना अच्छा होगा। क्लब्स में, गाड़ियों में, रेडियो पे, जहाँ मौका मिले लोग नाचेंगे तब मज़ा आएगा, है ना? मुझे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड आई फील इट्स मोस्टली पॉजिटिव. तो लोगों को पसंद आया है एंड लाइक ही सेड, सब जगह बजे हमको खुशी मिलेगी. जी, काफ़ी अच्छा गाना था पहले, काफ़ी अच्छा पसंद आया था लोगों को, और अभी एक रीमिक रीमिक के तौर पे आया है, तो कितना स्ट्रेस बढ़ जाता है एक पुराने से बड़े ऊपर हिट गाने को आप एक नया वर्जन देके ऑडियंस तक लेके जाते हैं? अब जितना स्ट्रेस लोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। जी, ये जो मौका मिला था हमें इस गाने को रिक्रिएट करने का, इसे एक नया साउंडस्केप, जैसे ध्वनि ऑलवेज कहती है, नया साउंडस्केप दिया है, नया एक डायमेंशन दिया है, जो आजकल जो की जो जेनरेशन है वो इस गाने पे इतनी नाची नहीं है, इतना मज़ा नहीं लिया है, तो उनको एक मौका मिलेगा कि ये हमारे बचपन के गाने को जस्ट टू रीलिव इट, यू नो. करेक्ट. और आजकल आप देखें तो जितने गाने बज रहे हैं आपके क्लब्स में या तो पार्टीज़ में या तो शादियों में, जिसमें बेस बहुत ज़्यादा है, और ये ओरिजिनल जो था उसमें बेस कम था. तो इन दिस देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ द सॉन्ग विच कैन बी प्लेड मोर इंटीग्रली विद द अदर सॉन्ग्स दैट आर पार्ट ऑफ योर प्ले लिस्ट. सो आई थिंक यू नो पीपल विल एंजॉय डांसिंग ऑन इट. बिल्कुल, आपने भी ऐसे तो पुराने गाने को रिमेक करें, नए कुछ नया उसमें डाले, तो न्यू जनरेशन को, न्यू यूथ को ज़्यादा अटैच करती है, ज़्यादा टच करती है. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ट्राइंग टू अटैच देम टू इट, बट आई जस्ट फील कि हमारी तरफ से वो एक ट्रिब्यूट था इन आर ओन वे, सो दैट और हमको ये वर्जन अच्छा लगा बिकॉज हमने ओरिजिनल से बहुत दूर जाके उसको कुछ अटपटा नहीं बनाया. वी ट्राई टू कीप द सोल अलाइव एंड आपको अच्छा लगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा, मेरे पूरे फैमिली को अच्छा लगा. तो हो गई बात खत्म. आपसे जानना चाहेंगे इसका ओरिजिनल वर्जन आशा भोसले जी ने गाया और इसमें आपको मौका मिला, कैसा था? कोई कंपैरिजन ही नहीं है. आई थिंक वो शी इज़ अ लेजेंडरी सिंगर. आई डोंट वॉन्ट पुट माई सेल्फ इन दैट स्पॉट ओनली कि मुझे कंपेयर नहीं करना. हम उनसे सीखते हैं जो भी गाने उन्होंने गाए. आई थिंक उनको अगर गा भी दो तो रियाज हो जाता है गले का. बट एंड द फैक्ट दैट मैंने इसमें थोड़ी लाइनें गाई, मैं कोई कंपेरिजन नहीं छेड़ना चाहती, बट लाइक आई सेड हमारा ट्रिब्यूट था, तो ये मेरी तरफ से उनके लिए था. एंड आई जस्ट वॉन्ट से दैट आपने जितने भी गाने दिए हुए काफ़ी हिट जाते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं, लोग हमेशा सुनने का ट्राई करते हैं, तो आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि लोग मेरे गाने को पसंद कर रहे हैं, आगे इसी तरह से पसंद करते रहे, तो आप क्या कुछ प्रिपेयर करती हैं? मैं आई थिंक वो साइड ज़्यादा सोचना नहीं चाहती, कभी भी नहीं सोचती, बट कभी कभी प्रेशर फील होता है, बट आई जस्ट फील कि अगर मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी तो जो हम काम करते हैं वो ठीक से नहीं होगा. तो आई फील अगर उसको सॉर्ट कर लो तो आई थिंक द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी आप सर्टन हो सकते हो कि थोड़ा यू नो पीपल विल लाइक इट. कितने लोग पसंद करेंगे वो नहीं पता, बट एटलीस्ट आप अपना अगर पूरा 100% देते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट एटलीस्ट बुरा नहीं लगेगा, यू नो. जी, इस गाने के जो एक तरह से जान कह लो मनोज सर, उनकी बात करेंगे, उससे पहले इस गाने की कोरियोग्राफर गणेश सर, आचार्य सर, उनके बारे में बात करते हैं, कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस? वो जो भी काम करते हैं उनका हुक स्टेप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है और इसमें भी काफ़ी अच्छा हुक स्टेप है. मौका मिला हमें उनके साथ, उनसे सीखने का, उनके साथ और उनके कोरियोग्राफी पे नाचने का, तो बहुत मज़ा आया. और ये स्टेप काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है, इजी भी स्टेप है, तो सभी कर सकते हैं. होपफुली ये गाना जब भी बजेगा, और हम जानते हैं ये गाना बहुत बजने वाला है, तो ये रजिस्टर हो जाता है. आपको याद हो गया ना? जी, मैं कल लॉन्च पे भी था, आप लोगों का डांस देखा, काफ़ी अच्छा लगा. मनोज सर, जिस तरह से एंट्री मारते गाने में, कैसा था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस और किस तरह से बातचीत आप लोगों की हुई? बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था. आई थिंक आई वाज स्टारस्ट्रक आल्सो जब वो आए थे, और
आप सडनली बॉडी रिजर्व कर लेते हो, नर्वस हो जाते हो, एटलीस्ट मेरे साथ होता है. तो आई डेंट इमेजिन दैट ही वुड बी सो स्वीट एंड सो ईजी टू बी विथ, यू नो. एंड और कल जब वो यहाँ थे हमारे साथ, जब प्रमोट भी कर रहे थे, तो उनकी बातें सुन के आप सुनते ही रहना चाहते हो, यू नो. वी हैज़ सो मच टू शेयर एंड सो मच टू गिव दैट यू कैन लर्न फ्रॉम. सो आपसे क्या बात हुई थी मनोज सर की, उन्होंने आपका पुराना काम देखा, कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए, कुछ? हाँ, तो एक तो बहुत बड़े फ़ैन हैं हम, जैसे आप हो, जैसे ये है, जैसे सभी हैं मनोज सर के फ़ैन. और जो ये अनुभव मिला हमें, जो मौका मिला कि उनके साथ थोड़ा सा स्क्रीन स्पेस शेयर करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो जैसे ध्वनि ने कहा, बहुत सीखने को मिलता है. और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश था जब मुझे पता चला उनने मेरा काम देखा है. और काफ़ी बारीकी से देखा, क्योंकि मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई काम के बारे में उनसे. और काफ़ी इंटेंस, व्हाट इज़ द राइट वर्ड फॉर इट, मैं फीडबैक, हाँ फीडबैक, पर ऑल्सो एक गाइडिंग टूल मुझे बताया कि ये ऐसे और ये वैसे करना चाहिए. तो आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट. और एक भी परसेंट अगर मैं मेरे आर्ट में डाल पाऊँ तो बहुत बड़ा चेंज आएगा. इसका ओरिजिनल वर्जन आपने, आप लोगों ने कब से फॉलो किया था, कब से सुनते आ रहे थे? जब से फिल्म रिलीज हुई थी 98 में. आई एम अ रियली रियली बिग फैन ऑफ दिस सॉन्ग. और जैसे मतलब ये रीमिक्स आया तो मैं तो कूद पड़ा इस पे. व्हेन एवर दिस सॉन्ग प्लेज, पिछले 20 साल में जहीं कहीं भी मैं हूँ और ये गाना बजाए, तो अपने आप ये तो चालू ही हो जाता है, मतलब ये रोक नहीं सकते. तो होपफुली अभी ये भी शुरू हो जाएगा, ये भी नहीं रोक पाएंगे लोग. आपके मन में क्या सडनली क्लिक हुआ जब आपको पता चला कि ये गाना करें? जी, बहुत अच्छी फीलिंग आई. आई मीन आई वाज ओवर द मून. और मुझे एक्चुअली पहले कहा गया था कि आप ट्राई करो, गो एंड सी के यू नो आपका वॉइस इस पे जा रहा है कि नहीं. तो आई वेंट, मैंने डब करी, फिर प्रीटी हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स, देन आई वाज इन्वॉल्वड. एंड तब फिर मनोज जी को सुनाया गया था गाना, उन्होंने कहा कि यू नो ये अच्छा है, इसको अच्छे वे में किया गया है. सो दैट्स व्हेन, अगर वो ऑन बोर्ड नहीं आते, आई डोंट थिंक हम ये गाना करते. इसमें काफी अलग अंदाज में दिख रही हो आप, इसमें डांस करते हुए दिख, है ना, आपने नोटिस किया? आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कोलैब किया है, कैसा था आप लोगों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड केमिस्ट्री? अच्छा ही है. हम आई थिंक अब सॉर्ट ऑफ वी लाइक ईच अदर. We are friends. Friends, we like each other. Sorry, I should have specified that. I feel I think Abhi is pretty normal, nice to work with. Normal hu main. Nice guy, which is very important. Na, some people are not what they seem to be, but I think there's something really organic, something really unke baare mein real hai cheeze. Any interesting moment during the shoot ki ye cheez repeat ho jaye to kafi maza aata? बहुत ही मज़ेदार था दो दिन जो शूट किए हमने. नाचने में, गाने में, ये गाना बज रहा था, मनोज सर के साथ मोमेंट स्पेंड किए, तो ओवरऑल ही बहुत मज़ा आया. ये जो भी हम आप देख रहे हो, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें मज़ा आया इस ये गाने बनाते हुए. और मेहनती लड़की है, यंग है, टैलेंटेड है, और 100% ऑलवेज अपना देती है, जितना तक मैंने देखा है. बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा लोगों को, आगे भी काफ़ी पसंद आएगा. ऐसे कितने म्यूजिक वीडियो या फिल्म आप लोगों से देखने को मिलेंगे आगे? फिल्म म्यूजिक वीडियो तो बहुत मिलेंगे. जिस तरह से आप इसमें दिखी हो, लोगों की होप बढ़ गए कि आप अच्छी एक्टर बन सकती हो? मैं कोशिश कर रही हूँ. जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि यू नो आई एम सॉर्ट ऑफ रेडी टू टेक दैट प्लंज. जो धीरे धीरे अब आएगा, मैंने आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ, तो फन निकल जाएगा ना. म्यूजिक वीडियो एक ही है. फिल्म्स आ रही हैं. नौसिखिया अभी जस्ट अनाउंस किया, सेम डे जिस दिन ये गाना रिलीज हुआ है, उसी दिन मैंने लाइन्स गेट की एक नई फिल्म अनाउंस की अमोल पराशर और श्रेया धनवंतरी के साथ में, तो वो ऑन फ्लोर जाएगी बहुत ही जल्द. और उसके अलावा
आ रही है पिक्चर, आ रही है, दो तीन तो आ ही जाएगी अगले साल। जाते जाते ऑडियंस के लिए दो लाइनें गुनगुना देंगे। मेरा गला ठीक नहीं है बट आई जस्ट वांट टू से सपने में मिलती है कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। आप जाके गाना देखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। एंड आई जस्ट होप कि अब सारी शादियों में बजे। हाँ, प्यार दीजिए और पानी पीते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।